नमस्कार, मैं निधा आपके साथ आपके अपने चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24 में आ रही खबर मौरानीपुर से है, जहां फर्जी चिकित्सक ने गलत दवा देकर की मरीज की हालत गंभीर। पीड़ित ने अधिकारियों को पत्र भेजकर लगाई टैक्सी ड्राइवर से बने चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई की गुहार। जानकारी के अनुसार लगभग एक दो वर्ष पहले पुरानी मऊ स्थित एक व्यक्ति फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों का गलत इलाज कर रहा था, जिस पर जिले से आई स्वास्थ्य टीम ने फर्जी क्लिनिक पर छापेमारी कर उसे जेल भिजवाया था। लेकिन जमानत के बाद से फिर से वही युवक क्लिनिक खोलकर गरीब लोगों की जान से खिलवाड़ करने लगा, जिंदगियों से खेलता रहा और हाल ही में उसने एक गलत इलाज कर एक वृद्ध की हालत गंभीर कर दी। मोहल्ला शिवगंज निवासी देवेंद्र कुमार पुत्र शंकर लाल ने उप जिलाधिकारी, कोतवाली प्रभारी सहित जिले के अधिकारियों को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि 30 जून को मैं अपने पिता शंकर पुत्र छंदी के शुगर के इलाज के लिए अब पुरानी मऊ स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक खोले एक व्यक्ति के पास गया था। चिकित्सक ने गारंटी से इलाज करने की बात कहकर मुझसे 2,000 रुपये ले लिए, लेकिन इलाज के दौरान दोनों पैरों में सूजन आ गई तो डॉक्टर ने उसे झांसी रेफर कर दिया, जिसके बारे में अभी बताया गया है कि वह पहले टैक्सी चलाता था, उसके बाद किसी डॉक्टर के साथ काम करने लगा। पैसे कमाने के चक्कर में क्लिनिक खोलकर गरीब लोगों की जान से खिलवाड़ करता रहा और उक्त डॉक्टर पहले भी फर्जी प्रैक्टिस करते हुए जेल जाया जा चुका है। प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मौरानीपुर से संवाददाता जगदीश के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शंकर। कहाँ के निवासी आप? सरगंज के। क्या समस्या हो गई है? समस्या है, पैर में सूजन आ गई है अध बीच में इलाज में। कैसे सूजन आ गई? शुगर का इलाज कराने गए थे। शुगर भाई हम बैठे थे किशोरी बाबू जी के नदी जा रहे थे, उस डॉक्टर साहब पहुँचे तो उनने देखो कहे थे कि तुम्हें शुगर है। डॉक्टर साहब कौन है? मुकेश कटरा।